हेलो, कैसे हैं आप लोग? ये देखिए, मैं फिर आ गई हूँ एक नए डिज़ाइन के साथ। ये कार्डिगन का डिज़ाइन हमने बनाया है, आप इसको ज़रूर बनाएं और बताएं कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके और मेरे डाले हुए वीडियो देख सकते हो। मैं हर दिन एक नया वीडियो अपलोड करती हूँ जिसमें सिलाई के डिज़ाइन है, क्रोशिया के डिज़ाइन है, कोटी, कार्डिगन, कैप, सॉक्स वगैरह मैंने काफ़ी बनाए हुए हैं। अगर आप शौक रखते हो बुनाई का तो आप मेरे डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएंगे आपको। और अगर डिज़ाइन थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरे डिज़ाइन कैसे लगे हैं। अगर आप कुछ और दूसरा कुछ पूछना चाहते हैं, लेस वगैरह भी मैं बताती हूँ। लेस बॉर्डर मैंने डाले हुए हैं। अगर आपको कोई डिज़ाइन पसंद है, आप पूछना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, सीखना है आपको, तो आप मुझे बता सकते हो। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी आपको बताने के लिए। तो ये देखिए, आप इसको बनाइए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा है। तो आइए देखते हैं इसको हमने कैसे बनाना है। ये देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें यहाँ पर 20 फंदे चाहिए। 20 फंदों में ये डिज़ाइन हम बनाएंगे। तो देखिए, पहले मैं फंदे डालकर आपको दिखाती हूँ। 20 फंदे हमने डाल लेने हैं। ये देखिए, ये हमने एक रो कंप्लीट कर ली है इसकी उल्टी तरफ से। 20 फंदे डालने के बाद में हमने एक रो उल्टी तरफ से इसकी उल्टी बनाई है। अब आप देखिए, हमने यहाँ पर शुरू में 4 फंदे, हमने एक फंदा निकालना है और 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। तो देखिए, एक दो, 3 फंदे हमने उल्टे बनाए हैं। धागा आगे रहेगा और 2 फंदों का हमने एक बनाना है। देखिए, 2 फंदों का हम एक बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, ऐसे करके हमने इसको बनाना है। फिर धागा आगे करेंगे और फिर से हमने इस रो को, इन फंदों को ऐसे ही बनाना है। अब ये फंदे हमने निकाल देने हैं। फिर धागा आगे करेंगे और 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। एक, दो, तीन, 3 फंदे हमने उल्टे बनाए हैं। धागा आगे रहेगा और 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं एक साथ। ये देखिए आप, ऐसे करके हमने बनाने हैं। फिर हम धागा आगे लाएंगे और एक बार फिर से इसको हम ऐसे ही बना देंगे। तो ये 4 फंदे हमने बनाए हैं, 2 फंदों के 4 फंदे हमने बनाए हैं। अब ये दोनों फंदे हम निकाल देंगे, फिर से धागा आगे लाएंगे और 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। ऐसे करके हमने ये पूरी रो को कंप्लीट करना है। देखिए, धागा आगे रहेगा और 2 फंदे हमने सीधे एक साथ बनाने हैं। फंदे निकालेंगे नहीं, एक बार फिर से धागा आगे लाएंगे और यही फंदे हमने दोबारा ऐसे करके बना देने हैं। देखिए, अब धागा आगे लाएंगे और ये 3 फंदे हम सीधे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए, और एक फंदा हम धागा पीछे करके इसको सीधा हमने बना देना। देखिए, ये उल्टी रो पे हम आ गए हैं। ये फंदा हमने ऐसे ही लेना है और 3 फंदे हम इधर से सीधे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। देखिए, 3 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। अब हम धागा आगे करेंगे और जो 4 फंदे हमने बनाए हैं इसमें से 2 फंदे हम एक बार बनाएंगे। ये देखिए, और ये फिर 2 फंदे हम दूसरी बार बनाएंगे। ये देखिए, 2 का 1 बनाया, फिर 2 का 1 बनाया, तो फिर से 2 फंदे बन गए हैं। धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे। एक, दो, तीन, 3 फंदे सीधे बनाए हैं। फिर धागा आगे लाएंगे और 2 फंदों का 1 बनाएंगे। देखिए, 2 फंदों का 1 बनाया, फिर 2 फंदों का 1 बनाया। ये वो वाले फंदे हैं जो हमने 2 के 4 बनाए हैं। देखिए, धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे। एक, दो, तीन, फिर धागा आगे लाएंगे और 2 फंदे का 1 बनाएंगे। ये देखिए, और फिर ये 2 फंदों का, इसका भी हम 1 बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे और 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे। ऐसे करके हमने इसको पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए, फिर से हम सीधी सिलाई पर आ गए हैं। ये फंदा हम बिना बुना लेंगे और 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। एक, दो, तीन, 3 फंदे उल्टे बनाए हैं। धागा आगे ही रहेगा और 2 फंदों का, ऐसे करके हम 2 फंदे एक साथ बनाएंगे। धागा आगे किया, 2 फंदे हमने सीधे बनाए। फिर धागा आगे किया और फिर से यही फंदे हमने एक बार और इनको सीधा बना दिया। तो देखिए, 4 फंदे बन गए हैं। अब ये फंदे हम निकाल देंगे।
फिर से धागा आगे लाएंगे, तीन फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे बनाए हैं, धागा आगे ही रहेगा ये देखिए, और दो फंदों का एक बनाएंगे, ये दो फंदों का एक बनाया, फिर धागा आगे लाए, फिर से दो फंदों का एक बनाया, ये देखिए अब ये फंदे हमने निकाल देने हैं, धागा आगे लाएंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे, एक सॉरी तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, दो और एक, ये तीन, तीन फंदे उल्टे बनाए हैं, धागा आगे ही रहेगा देखिए, और दो फंदों को एक साथ हम बनाएंगे, ये देखिए दो फंदे हमने सीधे एक साथ बिने हैं, अब ये फंदे हम नहीं निकालेंगे, फिर से हम धागा आगे लाएंगे और ये एक बार और हमने ये दोनों फंदे एक साथ बना देने हैं, जब हमारे चार फंदे बन जाएंगे तब हमने इनको निकाल देना है, देखिए धागा आगे लाएंगे और ये फंदे हम बचे हुए फंदे उल्टे बनाएंगे, देखिए उल्टी सिलाई हम पहले की तरह बनाएंगे जैसे हमने दूसरी सिलाई उल्टी बनाई थी, इधर से हमने तीन फंदे सीधे बनाने हैं, देखिए तीन फंदे हमने सीधे बनाए हैं, धागा आगे लाएंगे और दो फंदों का एक बनाएंगे, ये देखिए दो फंदों का एक बनाया, फिर दो फंदों का एक बनाया, देखिए धागा पीछे करेंगे और तीन फंदे सीधे बनाएंगे, ऐसे ही करके हमने ये पूरी रो कंप्लीट करनी है, ये देखिए दो फंदे हमने लिए हैं और दोनों फंदों का हम एक बनाएंगे, एक बनाया फिर दो फंदों का एक बनाया, धागा पीछे करेंगे और तीन फंदे सीधे बनाएंगे, तीन ये धागा पीछे करेंगे, आगे लाएंगे धागा को और ये फंदे हमने दो का एक बनाया, फिर दो फंदों का एक बनाया, ये फंदे हमने ऐसे ही करके सीधे बनाने हैं, ये देखिए ये इसकी उल्टी साइड है और ये इसकी सीधी साइड है, इसमें मैं आपको दो बुनाई और बताती हूँ, दो बुनाई बनाने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ, डिज़ाइन थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब ये आप देख सकते हो इसको, देखिए ये देखिए ये डिज़ाइन बनकर तैयार है, बहुत सुंदर डिज़ाइन है, आप इसको ज़रूर बनाएं, और अगर आपको डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा है, और मैं हर दिन एक नया वीडियो लेकर आती हूँ, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।